सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत बिलाईगढ़ क्षेत्र के सबसे बड़े शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में कल बुधवार को विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बड़े हर्षोल्लास साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जीवन के विलासा, छात्र जीवन की गतिविधियां, आगे बढ़ने की ललक और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत पर आधारित गीत नाटक विद्यालयीन छात्र छात्राओं की ओर से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरएस मनहर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ओनेनरी कैप्टन, विशिष्ट अतिथि नारायण राकेश अध्यक्ष शाला विकास समिति, बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारी पाटलेसर, कन्हैयालाल राकेश शाला विकास समिति की महिलाएं सदस्य, शाला स्टाफ, छात्र छात्राओं के पालकगण और बड़ी संख्या में दर्शक कार्यक्रम देखने पहुंचे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्राचार्य प्रमिला खटकर ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के प्राचार्य प्रमिला खटकर ने अपने उद्घोषण भाषण में कहा, शासन की मंशा अनुरूप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास संस्था बखूबी समझते हुए अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभा रही है। अरे क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर के टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कोई ना जाने अपना सोच क्या होगा। आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए, 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाई, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाई। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।